हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर्स। आज सीपीएल का जो शाम को 7:30 बजे मैच खेला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। बारबाडोस वर्सेस एसएल के, क्या इसकी ड्रीम इलेवन की टीम होनी चाहिए ग्रैंड लीग के लिए और क्या इस मैच में पॉसिबिलिटी है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। और गाइस आपने ये जैसे साउथ अफ्रीका और यहाँ पे जो मैच दिख रहा है आपको, इस मैच की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, काफी अच्छी वीडियो बनाई है। साउथ अफ्रीका श्रीलंका हो सकता है भाई इस मैच में, जो हमने प्रेडिक्शन करी उस हिसाब से कुछ हो जाए तो आप अच्छा खासा वोन कर लो, तो वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बात करें यहाँ पे बारबाडोस और एसएल के, भाई दोनों टीम सबसे बड़ी बात ये कुछ मतलब यार रियली बताओ, अगर आप ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए ये बातें जाननी जरूरी है, तभी आप यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए अपना कदम बढ़ा सकते हो। ठीक है, हो सकता है जिस दिन हमारे प्रेडिक्शन करेक्ट गई और आपने बातों को करेक्ट अपने माइंड में नोट कर लिया या फिर टीम बना के अपनी तत्ता रख ली, बाद में हमारे हिसाब से अपडेट कर दो, आप अच्छा खासा वोन कर सकते हो। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, फिर यही बात कहूंगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो तक नहीं किया कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको फाइनल जो टॉस होने के बाद जो प्रेडिक्शन होती है हमारी वो टेलीग्राम पर मिलती है। आजकल थोड़ा नहीं कर पा रहा हूं वीडियो की वजह से। सबसे पहले भाई बात करते हैं यहाँ पे क्या हमारे मैच, इस मैच में क्या हो सकता है और कैसे आपको इस मैच में खेलना है। ठीक है, बारबाडोस और एसएलके की बात करें, दोनों की दोनों बिल्कुल नीचे की टीम है। ठीक है, बारबाडोस ने एसएलके बाहर नहीं है, चौथे नंबर पर बनी हुई है। ठीक है, बारबाडोस जो है बिल्कुल लो लेवल, यानी बिल्कुल नीचे की टीम है। ये टीम ऐसी टीम हो गई है, एकदम पंटर टीम हो गई है, ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि इनके पास प्लेयर ऐसे हैं। ठीक है, बारबाडोस ने 9 मैच खेल के अब तक केवल 2 ही मैच जीत पाए, मगर जब काम खराब करना होता है मुझे लगता नहीं काम खराब कर पाएंगे। ठीक है, एसएलके ही आज मैच को जीतने वाली है और काफी वैसे तो यार कोई उनका मुकाबला करने वाला नहीं है, एक ही टीम है, वो आपको बताऊंगा आगे कैसे। ठीक है, एसएलके के लिए 9 में से 5 मैच जीते हैं। ठीक है, यानी एसएलके का लास्ट मैच है 10वां, बारबाडोस का मैच है लास्ट 10वां और इनका भी 10वां है, बाकी जो दो टीम्स है उनका भी लास्ट यहाँ पे 10वां मैच है। ठीक है, अब यहाँ पे एसएलके 9 में से 5 जीते और जो जेटी की टीम है ना ये 9 में से 4 जीती है। ठीक है, देखा जाए तो दोनों बराबर की है, बस केवल जो रेट होता है ना, जो स्ट्राइक रेट, जो रन रेट का फर्क होता है उसका फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर यहां पे एसएलके मैच हार जाता है, ठीक है, तो बारबाडोस के नंबर 4 पर आने के चांस हाई हैं, एसएलके सीधा बाहर हो जाएगी, बारबाडोस के साथ एसएलके बाहर। ठीक है, अगर मैच हार जाती है तो, अगर यहां पर जीतती है तो फिर चौथे नंबर फिक्स है, जेटी और यहां पर जमैका और बारबाडोस दोनों इस मैच से बाहर। ठीक है, तो ये यानी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एसएलके के लिए है मैच जीतने की और इनको जीतना भी चाहिए, प्लेयर भी काफी तगड़े इनके पास हैं अब जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैच की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11, और उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट किसी अदर ऐप पर कर रहे हो तो बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। अभी लेटेस्ट में सबसे बेस्ट है बैटबॉल 11, विजन 11, दोनों की दोनों ट्रस्टेड ऐप है, लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना। ठीक है, यहां पर ना अदर ऐप पर कोई फायदा नहीं क्योंकि वहां पर एंट्री फीस बहुत ज्यादा लेती है, यहाँ पर आप देखो एंट्री फीस बहुत कम है, एक बार ऐप को यूज करके देखो, अगर बेकार लगे ना भाई अनइंस्टॉल कर देना, गारंटेड है, पहले आपको बता रहा हूँ एंट्री फीस बहुत कम है अदर ऐप के मुकाबले, मगर एक बार मैच जरूर करना इंस्टॉल करने के बाद, क्यों एंट्री फीस मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ देख के आपको पता चल जाएगा, ओपनिंग भी अच्छी कर दूँ मैं तो 3 साल से प्लस में खेला हूँ, अब तक कभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ही आप जान चुके होंगे कि कौन सी टीम के लिए मैच जीतना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ज्यादा प्लेयर्स आपको यहां से रखने, कम से कम अटलीस्ट मान के चलो 7 प्लेयर आपको यहां पे एसएलके के ट्राई करने हैं या फिर 6 प्लेयर एसएलके के ट्राई करने, इस तरह की टीम्स आपकी बनने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम प्लेयर आपके एसएलके के होंगे। अब चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 की, सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, के मायर्स है, जॉनसन चार्ल्स है, ठीक है, उसके बाद साई होप है, ग्लेन फिलिप्स है, जेसन होल्डर है, तिसारा परेरा है, नई मंग है, हेडन वॉल्स है, जे बिशॉप, लिनटॉट और आमिर, ये लास्ट मैच इनके प्लेइंग 11 रही है। ठीक है, अब यहां से बात करें एसएलके की तरफ से, आंडर फ्लेचर लास्ट मैच में 0 पर गया है, ठीक है, और 0 ही हीरो बना था, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे मार्क दयाल है, ये तो भैया पूरी सीजन में फ्लॉप है, इनके बारे में तो कुछ बोलने ही गुना है। ठीक है भाई, आप रखना चाहते हो रख सकते हो, कुछ टीम में ग्रैंड लीग का प्लेयर बन सकता है, ऐसी बात नहीं, ये परसेंटेज बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगी। डुप्लेसिस आज के मैच में काफी इंपॉर्टेंट मैच रहा था और इंपॉर्टेंट मैच में आपको परफॉर्मेंस करके देता है, लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, आज आपको मोस्टली टीम से मेरे हिसाब से रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, रोशन चेज है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैट प्लस बॉल दोनों से आपको पॉइंट्स निकाल के देंगे, लास्ट मैच में 3 ओवर किए थे। ठीक है, डेविड विजय भाई पिछले मैच में ना ये बंदा धोखा दे गया यार, इस बंदे ने मतलब ऐसा गंदा धोखा दिया भाई, जब इस बंदे की जो परसेंटेज थी ना उस मैच में जब इसने खेला था 5 विकेट लेके गया, ठीक है, और इस मैच में बंदे की ड्रीम 11 पर लेने की परसेंटेज केवल 18%। ठीक है, 18% लोगों ने केवल इसको लिया था, सब जानते थे कि भाई इनको बॉलिंग के चांसेस कम है क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन देखो वहां भी आज हो गए, जे रॉयल हो गए, अजारी जोसेफ हो गए, के एलियन हो गए, किमो पॉल हो गए,
रोशन चेस हो गया, तो इस बंदे को कहां बॉलिंग मिलती है? बंदा भाई इसका ऐसे ही होता है, पहला ओवर ठीक ठाक चला गया, विकेट मिल गई तो इसको दूसरा ओवर कंफर्म बन जाता है। ये इसका टोटली डिसाइड करता है पहला ओवर की अगला ओवर आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिट गया तो भाई उसके बाद दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और पिछली बार बैटिंग के लिए भी जल्दी आ गया बंदा, देखो बैटिंग के लिए भी जल्दी आ गया, ठीक है। कीमो बॉल एक भी ओवर नहीं दिया यहां से यार। अभी ये देखो जो जो हमारे एलियने थे एलियने, ये प्लेयर जो था आपको बैटिंग में मिलेगा, ठीक है, ये प्लेयर आपको बैटिंग सेशन मिलेगा। और इस बंदे को एक भी बॉल नहीं दी, बताओ यार। और प्लस बंदा जीरो पर और गया, और इसके परसेंटेज कितनी हाई होगी, और आज इसके परसेंटेज गिर गई होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इस बंदे ने बॉलिंग भी नहीं कराई, प्लस जीरो पर अलग किया खेलने के लिए। भाई बॉलिंग जहां पर बॉलर आ रहे हैं वहां पर आ रहा है तो कहां चांस मिलेगा, ठीक है। तो वाली चांस है, और आज इस प्लेयर को मेरे हिसाब से 50% टीम्स में जरूर रखना। हो सकता है डेविड विलियर्स से बॉलिंग ना करा के इससे करवा दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, दोनों टीम्स की प्लेइंग यहां पर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं अपन ग्रैंड लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहां से बात करें, बारबाडोस की तरफ से बात करें तो बारबाडोस की तरफ से आपका जो मेन प्लेयर यहां पर जो गए, ये दो प्लेयर ना, ये दो प्लेयर, ठीक है, इनमें से हर टीम में आपको के मायर्स एक टीम में रख लिया मानो, दूसरी टीम में आपने यहां पर जे चार्ल्स रख लिया, ठीक है। बस ये दोनों को एक साथ आपको रखना ही नहीं है, पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक साथ रखना ही नहीं है। और कम टीम्स में के मायर्स को ट्राई करना और ज्यादा टीम्स में जॉनसन चार्ल्स को ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि ये बंदा अगर लपेटेगा ना तो लपेटते हुए मतलब 7-8 बॉलों में ही कम से कम 15-20 रन लपेट के चला जाएगा, ठीक है। उस सिचुएशन में यहां पे आपको इनके जो ओपनर बॉलर्स हैं, ठीक है, उनको हो सके तो स्किप कर दो, और यहां पर आप इनको फ्लॉप करा रहे हो जिस टीम में इन दोनों का आउट करना, क्योंकि भाई ये जो पिच है ना, इस पिच पे कोई भरोसा नहीं है, जिसने गलती करी, जिसने गलत शॉट खेला वो गया, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां से इस टीम से बताऊंगा, इस टीम से जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही प्लेयर आपको रखना इन दोनों में से, ठीक है, दोनों को मत रखने की गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद यहां से बॉलर्स में आपको यहां से रखना पड़ेगा जे रॉयल, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टीम में, आपको जे रॉयल्स आपको बॉलर के तौर पर अपनी टीम में रख लेते हैं, ठीक है, जे रॉयल आपके टीम में आ जाएगा बॉलर में। उसके बाद यहां पे ठीक है, जे रॉयल आपके यहां पे बॉलिंग ऑप्शन आपका ये बन जाएगा, क्योंकि ये बंदा भाई इनमें से किसी एक को निकालेगा पक्का, ठीक है। उसके बाद साई होप, विकेट कीपर का दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, साई होप का और एक आपका आंड्रे फ्लेचर का। तो भाई आज मैं अपनी मोस्टली टीम्स में केवल आंड्रे फ्लेचर के साथ जाने वाला हूं, ठीक है, आंड्रे फ्लेचर मेरी टीम में मोस्टली टीम में रहेगा, क्योंकि भाई लास्ट मैच में बंदा जीरो पर लग से गया है, ठीक है, जीरो पर गया हुआ है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। और आंड्रे फ्लेचर भाई इस सीरीज में ना पता नहीं हो गया यार, कैच भी बंदा मतलब यार क्या बताऊं, ऐसे ही छोड़ रहा भाई, कोई कैच करवाता यूं करिए लो भाई कैच कर लो, वैसी कैच तक विकेट कीपिंग में छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों इसकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है। हो सकता है आज के मैच में तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दे दे, तो मोस्टली टीम्स में मैं यहां पे एंड्रू फ्लेचर को ट्राई करने वाला हूं, बहुत कम टीम्स में साई होप को करूंगा, क्योंकि भाई ये प्लेयर ना थोड़ा अलग लेवल का, ये T20 के लेवल का प्लेयर है ही नहीं, ODI का प्लेयर है, एकदम द्रविड़ वाली दीवार है, तो वहां पर ODI में अच्छा काम करता है, T20 में थोड़ा सा पॉइंट इसका लूज जाता है, ठीक है। और यहां से उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आपके आज के इस टीम की तरफ से मेन प्लेयर बनेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, जी फिलिप्स आप इस मैच में आप ट्राई कर सकते हो मोस्टली टीम्स में। उसके बाद तीसरा प्लेयर मैं भैया एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा, जेसन होल्डर आप ड्रॉप करना चाहते हो आज के मैच में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी यहां तक मुझे लगता है बैटिंग से तो फ्लॉप जाएंगे, मगर बॉलिंग में से आपको जैसे लास्ट मैच में बंदे ने 4 ओवर कराए थे, ठीक है, कभी 3 करता कभी 4 करता, कोई मतलब ठिकाना नहीं है इसका, ठीक है। अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी ना तो भाई इसको रख लेना, क्योंकि इसको चांस ज्यादा मिलेगा बॉलिंग करने का, कहने का मतलब है बॉलिंग अच्छी है तो विकेट भी आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर सेकंड इनिंग इनकी होती है, अगर सेकंड इनिंग में बैट करते हैं तो भाई इसको मत रखना मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि भाई मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आंड्रे फ्लेचर को चला रहा हूं और यहाँ पे डुप्लीसिस को चला रहा हूं, ठीक है, दो प्लेयर को यहाँ पे चला रहा हूं यहां से, आंड्रे फ्लेचर डुप्लीसिस, ठीक है, इन दोनों को चला। अब रह गया भैया हमारा ऑप्शन मार्क दयाल, भैया चल भी सकता है फ्लॉप भी जा सकता है, ठीक है, मार्क दयाल पूरी सीरीज में फ्लॉप गया है तो आज क्या चलेगा पता नहीं, भगवान जाने, चल भी जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, पूरी सीरीज में फ्लॉप गया। अब यहां से मार्क दयाल को आउट करने के लिए स्टार्टिंग में भैया आपका आएगा या तो जेसन होल्डर या तो फिर यहां से मोहम्मद आमिर, ठीक है, इसके लिए हम भैया सीधा सिंपल बात मोहम्मद आमिर को रख लेंगे, कहानी खत्म, ठीक है, यहां से मोहम्मद आमिर को रख लेंगे बस। अभी फिलहाल लिंटॉट बिशॉप इनका अभी काम नहीं है, इस टीम के लिए बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर आपका मोहम्मद आमिर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट इनिंग लास्ट मैच मैंने कहा था भाई बंदे को मत रखना नहीं नियम को, अगर पहले बॉलिंग करता है तो भाई क्या हुआ, 2 ओवर कराए, हालांकि एक विकेट मिल गई मगर रन्स में बढ़िया वाली मार पड़ी है, तो आज भी यही ट्रिक ज्यादा ट्राई करना, अगर पहले बॉलिंग करेगा तो मत रखना, बाद में बॉलिंग करेगा तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
हेडन वॉल्स लास्ट मैच में 4 ओवर कर गया, ठीक है, मैं इस मैच में भी इसको अपनी टीम में नहीं रखूंगा, आप रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जे बिशॉप आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, ठीक है, जे बिशॉप आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। जे बिशॉप और लिंटॉन दोनों में से किसी एक को रखना, हर टीम में दोनों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता आज बारबाडोस भी कुछ अच्छा काम कर पाएगी, क्योंकि भाई एसएलके के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। आंड्रे फ्लेचर, डुप्लेसिस, रोशन चेस, भाई टॉप ऑर्डर खतरनाक ही है, ठीक है, और चल भी रहे। उसके बाद भाई अगर लुढ़क भी गए तो हमारे टीम डेविड, ठीक है, एक टीम ऐसी बनाना जिसमें आप इनको फ्लॉप करो और यहां से क्या नाम है आपका टीम डेविड को अपनी टीम में रखो, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग कर दी है, ठीक है। और भाई ध्यान रखना आज डेविड विलियर की परसेंटेज आप देखोगे ना, अभी इसकी 67% कुछ है ड्रीम इलेवन में, ठीक है, पर भाई मैं इसको आज भी अपनी टीम में नहीं रखने वाला। आप लोग रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं आज भी डेविड विलियर को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। मैं आज ट्राई करूंगा के एलिन को, क्योंकि बहुत लोग इनको आज ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, हो सकता बॉलिंग कर जाए भाई, क्योंकि बॉलर है भाई, प्रॉपर बॉलर है बंदा, ठीक है, तो बॉलिंग करने के चांसेस हाई है, ठीक है। उसके बाद यहां से बात करें, आप अगर ट्राई करते हो अगर सेकंड इनिंग में, जैसे वहां पर जैसे, ठीक है, सेकंड इनिंग में अगर खेलने के लिए आता बंदा तो इसको आप ज्यादा टीम्स में ट्राई कर सकते हो, वहां रियाज आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में अगर पहले बॉलिंग करता है, पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो ठीक है। उसके बाद जे रॉयस तो आपको मोस्टली टीम्स में ट्राई करना ही करना है, ठीक है। अब यहां से बचे आपके अल्जारी जोसेफ, ठीक है, अल्जारी जोसेफ भी भाई बॉलिंग लास्ट मैच में 4 ओवर कर गया है, ठीक है, तो 4 ओवर करने वाला प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कीमो पॉल को आप ट्राई कर सकते हो, या तो अजहरी जोसेफ को ट्राई करना या फिर कीमो पॉल को करना, दोनों में से कोई इसी एक को ही करना, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा मतलब इफेक्टिव है दोनों में से कोई भी, कि किसी एक को ही ठोक में जाकर रखा जाए, तो दोनों किस टीम में अजहरी जोसेफ को रखना, किसी टीम में कीमो पॉल को आपको रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ अब तक आया होगा कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर कुछ चीज क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका रिप्लाई मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि भाई पूरी स्ट्रेटेजी से गेम बनता है। ग्रैंड लीग की टीम कोई मजाक बात नहीं, हेड टू हेड की टीम तो 36 देने वाले हैं, ठीक है, ग्रैंड लीग थोड़ा सोच समझ के बनाई जाती है, ठीक है। तो गाइस यार अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, अब तक अगर आपने वीडियो रेगुलर देखी तो आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल पर कौन सा कंटेंट चलता है। तो अगर आप ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो यहां पर मिल सके। अब बात करें ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे ट्राई करने, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन। और यहां ध्यान रखना ये जो रोशन चेज है ना, इनके बारे में बताया नहीं है, क्योंकि भाई ये रखना ही है, हर हाल में रखना अपनी टीम में, इसलिए बताया नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे लिए कौन से सुपर हो सकते हैं, ठीक है। अगर एसएलके की टीम बैट फर्स्ट करे, ठीक है, एसएलके अगर बैट फर्स्ट करती है तुम्हारी, तो सीधी सी बात है आपके दो जो बैट्समैन है, दो बैट्समैन आपके लिए कैप्टन निकल के आते हैं। नंबर वन पर आपका फ्लेचर हो गया, आंड्रे फ्लेचर हो गया, और दूसरा आपका डुप्लेसिस हो गया, ठीक है। ये आपके दो कैप्टन निकल के आते हैं, और दोनों को मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई दोनों को ही मत कर देना, ठीक है, किसी एक कोई कैप्टन ट्राई करना। अंडर फ्लेचर को रखोगे सीधा कैप्टन डायरेक्ट, या तो फिर हिट एंड मिस वाला खेल है, या तो फिर बिल्कुल ड्रॉप कर देना, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर स्टार्टिंग में मोहम्मद आमिर कहीं पता चले इन्हीं को चटका दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंडर फ्लेचर की भी थोड़ी मामला खराब है। तो यार मैं तो खैर अपनी मोस्टली टीम्स पर रखूंगा, अगर आप ज्यादा टीम्स के साथ जा रहे हो तो भाई कम से कम 30 या 40% टीम्स में आप यहाँ पे साई होप को भी ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद एसएलके की तरफ से बात करें, रोशन चेस आपका दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, अगर फर्स्ट नहीं हो तो स्पेशली तब ज्यादा बेटर रहेगा, पहले बैटिंग करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैट से अंधाधुंध रन बना के पॉइंट दे सकता है। सेकंड इनिंग में तो यार टारगेट होता ना कि भाई इतना ही बनाने, ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में आपका रोशन चेस काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। डेविड विलियर को मैं ड्रॉप ही करने वाला हूं, टीम डेविड को आपको मोस्टली टीम्स पर रख लेना है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, क्योंकि भाई ये बंदा आपको बैटिंग से पॉइंट निकाल के दे देगा, ठीक है। कीमो पॉल जैसे मैंने आपको बताया किसी में रखना है किसी में नहीं रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, बॉलर्स में से आपके पास मेरे हिसाब से यहां से कोई खास प्लेयर है नहीं, ठीक है। जे रॉयल्स को आप ट्राई कर सकते हो, जे रॉयल आपको एक प्लेयर बनता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, भाई हर मैच में बंदा विकेट 2-1 निकाल के लेके जा रहा है, दिन हुआ तो भाई 3-4 लेके चला जाएगा, ठीक है। जे रॉयल आपके लिए ऐसे केवल एकमात्र प्लेयर बनता है, वहां रियाज को मैं भाई सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ना ही अल्जारी जोसेफ को सजेस्ट करूंगा, ना ही कीमो पॉल, ना ही डेविड विलियर, इनमें से किसी को भी आप ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट यहां पर नहीं करने वाला, ठीक है। मगर एक जो मनी वेस्ट टीम बनाओगे ना उसमें इस बंदे को कैप्टन जरूर धर लेना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। के एलिन को जिसमें मनी वेस्ट वाली टीम आप बनाओगे उसमें इस बंदे को कैप्टन जरूर बनाना, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तब, ठीक है। और उसके बाद यहां से बात करें बारबाडोस की तरफ से, अगर आपको लगता है कि भाई इसके भी प्लेयर अच्छे हैं भी परफॉर्म करने लायक है भी प्लेयर, ठीक है, यहां से गाइस आप ध्यान रखना, अगर आप किसी टीम में आपको आपकी मतलब खुद की दिमाग की उपज है कि बारबाडोस आज जीतेगी अच्छे रन बना के, तो भाई आप इनमें से किसी एक को कैप्टन बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको फ्लॉप कर रहे हो, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है आप इनको फ्लॉप कर रहे हो, तो आपका एक ऑप्शन बन के आता है
ग्लेन फ्लिप्स, ठीक है, इनको आप अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जेसन होल्डर के लिए सजेशन नहीं दूंगा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बॉलिंग में से बात करें, अगर इनकी टीम बाद में बैटिंग करती है, यानी बारबाडोस की टीम बाद में बैटिंग सॉरी बाद में बॉलिंग करेगी, पहले बैटिंग करेगी बाद में बॉलिंग करेगी, तो आपका नईम यंग है ना, एन यंग जो है आपका आपका ग्रैंडिक का प्लेयर बन सकता है एज ए कैप्टन। उसके लिए आपको इनके टॉप ऑर्डर में से जैसे आंड्रे फ्लेचर रखना होगा, डुप्लेसिस रखना होगा, रोशन चेज रखना होगा, ठीक है, बस इतने। क्योंकि जब तक ये नईम यंग बॉलिंग पे आएगा ना तब तक ये काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो नईम यंग आपके लिए यहाँ पे एक प्लेयर बन के आता है। इसके अलावा लिंटॉट है, बिशॉप है, अगर बिशॉप को ट्राई करें तो बिशॉप को भी आप ट्राई कर सकते हो, बिशॉप भी एक आपका ग्रैंड लीग का प्लेयर बन जाता। तो ये आपको अपनी टीम्स में मोस्टली मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में अच्छा खासा विनिंग करा सकते। तो गाइस आप इनमें से चुनना आपका काम है, क्योंकि जब मैच टॉस होगा उस टाइम प्रेडिक्शन करेंगे जरूर, मगर इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं। इजी लगे तो वीडियो पूरा देखा करो, उसके बाद आपका सीधा ठक ठक भैया बस लगाने हैं, वो वाला बात होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी अगर आप लोग लूडो में अगर थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हो भाई, जिस दिन मैच नहीं होता या फिर चलो भाई रात को जगह है थोड़ा टाइम पास ही कर ले लूडो खेल के, तो भाई टाइम पास करने है तो क्यों ना पैसा कमाते हुए टाइम पास करो, तो लिंक नीचे लूडो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहीं पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर उस लूडो के बारे में वीडियो देख रहे हैं, पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी भी, और साथ में आपको क्या नाम आपको चलिए यार मैं इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं, एंड में बड़ा आसानी रहेगा आपके लिए देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सपोर्ट करना, और यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर करना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और गाइस जितना जल्दी हो सकता ना बैट बॉल एंड बिजल एंड आ जाओ, जब बड़े बड़े जिनको आप क्रिकेटर मान बहुत बड़े गुरु मानते हो ना वो करेंगे ना प्रमोशन, तब आओगे आप मुझे पता, और तब उस टाइम पर वो चीज नहीं होगी जो अभी है, ठीक है। लिंक दोनों पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ऐप काफी अच्छी है, बेकार लगे तो अनइंस्टॉल कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शाम को मिलते हैं टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।